We keep seeing their eyeballs glued to us on the sidewalk, but that look could kill. They are trying so hard to find all the weaknesses inside, but it's gonna spill. Oh, can we take a minute, turn and face the critics? Let's put flowers in our hair like we don't care. And dance until it's clown poof. Nobody's stopping our groove. Oh, that's good. It's just you and me. And making me laugh with you. तो हेलो गाइस, वंस अगेन बैक. आप सबका फिर से स्वागत है एक और एपिसोड में. तो ये स्टोरी 2015 के मिड से लेके 2016 का जर्नी है मेरा, जो उस दौरान उस जो पीरियड में क्या क्या मैंने जो जॉब किया, वर्क किए, कौन कौन से प्रोजेक्ट किया और कैसे अपने जो मर्चेंट नेवी का फील्डों से मैंने कंटिन्यू किया उसके बारे में एक वीडियो है. 2015 के मई और जून तक मैं ऑलमोस्ट इंडिया में वापस आ चुका था. जो मेरा फील्ड था हीरा ONGC वाला, वो खत्म करके प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के बाद मुझे वापस आना था. अब वापस आने के बाद लगभग 6-7 महीने मैंने शिप में काम किया. नॉर्मली क्या होता है कि इतना सारा काम करने के बाद एम्प्लॉयज अपने घर चले जाते क्योंकि मानसून का टाइम में ज़्यादा काम रहता नहीं था. लेकिन मैं नहीं जाता था, मैं वो और वेट करता था और स्किल्स डेवलपमेंट करने के लिए मैं और कंटिन्यू वर्क करता था. 2015 में जब मैं ऑफिस में पहुंचा तो मुझे एक और काम मिला कि भाई आपको कुछ दिनों की बात है, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 2 वीक्स, इन 2 वीक्स के लिए आपको एक फिर से शिप में जाना है, वहाँ पर आपको काम करना है और साथ में आपके इतने इतने क्रू मेंबर रहेंगे और आपको वो काम खत्म करके वापस आना है और उसके बाद हम आपको दूसरे प्रोजेक्ट में भेजेंगे. तो ये मुझे इंस्ट्रक्शन मिला था. तो पहले मैंने ये सोचा कि यार अभी 6-7 महीने तो मैंने काम कर लिया है, थोड़ा कुछ देर और वेट कर लेता हूँ, ये खत्म होने के बाद मैं दूसरे प्रोजेक्ट में चला जाऊँगा. और जो मुंबई में था, जो मेरा रूम अकोमोडेशन था, वहाँ तो मुझे रहो या ना रहो हाँ उसका तो रेंट भरना ही पड़ेगा. तो यार एक सबसे बड़ा जो डिफिकल्ट पॉइंट था कि उसका जो रेंट है वो फ्री में जाता था क्योंकि हम लोग 6-7-8 महीना शिफ्ट में रुकते थे, तब तक वो रूम बंद रहता था. लेकिन क्या है कि कोई एक रूम तो चाहिए ही चाहिए कि आप जब भी शिफ्ट से वापस आते हो. तो उस टाइम में जो इंडियन कंपनी था वो रूम अकोमोडेशन प्रोवाइड नहीं करता था, वो अपना खुद के एक्सपेंस में होता था. तो अगर आप वापस आओगे तो फिर आप रहोगे कहाँ, होटल में कितना दिन रहोगे, 1 दिन 2 दिन 10 दिन, 2-3 महीना तो नहीं रुक सकते क्योंकि मैं ऑफिस के काम के लिए मैं रुकता था. तो इसके लिए मुझे वो रूम कंपलसरी था, तो मैं वहाँ पर स्टे करता था और बाकी जो भी आते थे वो आके चले जाते थे, कोई भी रेंट बराबर भरता नहीं था, ज़्यादातर वो भी मेरे सर पे ही आता था. वैसा करके काफ़ी लोग वो रूम छोड़ के चले गए, आप अलग अलग लोकेशन में अलग अलग कंट्री में जाके शिफ्ट हो गए, लेकिन मैं रह गया. अब मानसून का टाइम है, मानसून का टाइम मुझे अभी भी याद है, जून जुलाई अगस्त सितंबर, ये 4 महीने बहुत डिफिकल्ट है मुंबई में काम करना, रहना, शिप में भी काम करना, क्लाइमेट काफ़ी ख़राब होता है, बहुत ही एटमोसफियर और जो रहता है ना क्या बोलते हैं काम का जो तरीका वो थोड़ा ही अलग है. सेफ्टी तो ज़्यादा फॉलो करना ही पड़ेगा, बिना सेफ्टी फॉलो करेंगे तो आपको निकाल देंगे. तो फाइनली कंपनी ने मेरा मेडिकल, मेरा ट्रेनिंग, एग्जामिनेशन जो भी हो फिर से कंप्लीट करवाया एक और नए प्रोजेक्ट के लिए. तो इस प्रोजेक्ट में ज़्यादा से ज़्यादा 2 वीक, उससे ज़्यादा बड़ा काम था नहीं. और मेरे साथ में अभी भी मुझे याद है 2-3 लोग तो थे ही, हम लोग वाइट चॉपर हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं और हमारा जो, क्योंकि हम लोग शिप से नहीं जा सकते क्योंकि क्लाइमेट ख़राब है, उस टाइम में शिप जाना बहुत डिफिकल्ट है. अगर आप वहाँ पर पहुँचोगे तो कम से कम 2-3 वीक या पहुंच पाओगे कुछ पता नहीं, हमें शॉर्ट टर्म में वो काम खत्म करना है तो हमें हेलीकॉप्टर से जाना था. उसके लिए एक अलग से ट्रेनिंग होता है, अलग से मेडिकल होता है, अलग से एग्जामिनेशन होता है, ये सब क्लियर होने के बाद ही आपको भेजा जाता है. ऐसा नहीं है कि भाई मुंह उठा के भेज दिया, काफ़ी कुछ झेलना पड़ता है. कितनी बार तो मैं सिर्फ पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट के लिए मुझे बार बार गांव जाना पड़ता था. अगर मैं 1 या 2 साल के बाद आया तो सिर्फ उस चक्कर के लिए मुझे वहां जाना पड़ता था, तो मैं कंटिन्यू स्टे करता. 2015 के मिड में मैं वहां गया और उस प्रोजेक्ट का एक स्टोरी मुझे बाद में पता चला कि यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ था कि जिसकी वजह से कंपनी को वो जॉब छोड़ के जाना पड़ा. एक सीक्रेट टॉप था, लेकिन जो मेरे साथ आया था वो एक सीनियर था, उसने मुझे कहा कि यहाँ कुछ तो हुआ था मैटर, कि हम जिस कंपनी के लिए काम कर रहे हैं उसने कुछ सालों के पहले हमारे कुछ काम किया था, तो वो कुछ अनसेफ्टी था, तो उसे रातों रात उस शिप को
सामान जो भी था उसे वहां छोड़कर भागना पड़ा। तो ये मुझे हजम नहीं हुआ, मैंने बोला ये स्टोरी क्या है। तो मैं वहां गया, वहां कुछ जो स्टाफ थे वो फील्ड के उनसे मिला, तो उन लोगों ने मुझे कहा कि भाई यहाँ बहुत सालों पहले, क्योंकि हम जिस कंपनी से मैं वहां गया था मैं उनकी तरफ से नहीं गया था, मैं कोई और थर्ड पार्टी ने हमें हायर किया था तो हम उसके बेस पर गए थे, तो हमें कोई इशू नहीं था। वरना हमारे पूरे कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया गया था कि आपके जितने भी कंपनी के मेंबर्स हैं वो यहाँ पर कभी भी काम नहीं कर सकते। तो हम किसी और पार्टी के मेंबर, मतलब किसी और कंपनी की तरफ से गए थे, तो इसीलिए हमें कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो वहां पहुंचने के बाद मुझे ये पता चला कि वो जो फील्ड है वो काफी ही रिस्की फील्ड है, बिना किसी सेफ्टी के आप वहां काम नहीं कर सकते। और जो हमारा कंपनी है वो सेफ्टी को तो ठीक है ध्यान में रखता ही है, लेकिन इतना भी नहीं है कि भाई हमें A to Z सेफ्ट से काम करना पड़े, क्योंकि वहां हर एक लाइन जितना भी हो काफी पुराना लाइन है, बहुत ही पुराना है, लाइक 1990s के टाइम का, 85 70s के टाइम का वो प्लेटफॉर्म है शिप के अंदर, वो जो ओशियन के अंदर जो प्लेटफॉर्म बना हुआ है वो काफी पुराना है। और वहां पर हर एक लाइन जितना भी वो गैस गैस का जो प्रोडक्शन लाइन है, गैस के जितने भी H2S गैस है, वो सारे का सारा लाइन वहां पर पासिंग होता है। तो अगर आप थोड़ा सा भी मिस्टेक करोगे पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म जल जाएगा। तो उसी के सेफ्टी रखते हुए वहां पर सेफ्टी बहुत स्ट्रिक्ट है, और जो कंपनी है उसको क्या है, मिनिमम कम से कम टाइम में वो प्रोजेक्ट खत्म करना है, और वो खत्म करने के बाद उसे दूसरे प्रोजेक्ट के लिए जाना है। तो वो क्या कर रहा है कि हड़बड़ी में सब काम कर रहा है। तो अब परमिट्स होते हैं कि परमिट में मैं आपको एक शिपिंग का परमिट समझा देता हूँ कि एग्जैक्ट इसका क्या है, या फिर इसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, इसका अलग से वीडियो बनाऊंगा कि भाई परमिट क्या होता है, कैसे होता है, और शिप में कंपलसरी क्यों है। लेकिन बेसिक बता रहा हूँ, बिना परमिट के आप कोई भी काम शिप में नहीं कर सकते, स्पेशली ऑयल एंड गैस का जो रिग प्लेटफॉर्म है वहां तो बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत ही डेंजर है। तो वैसे ही कुछ काम कंपनी ने बिना परमिट के वहां पर काम किया था, कंपनी चाहता था कि कम से कम टाइम में खत्म हो जाए, ज्यादा से जन वो अर्न कर सके, प्रोजेक्ट कंप्लीट कर सके और आगे बढ़ सके। लेकिन जो वहां का OM जो ऑपरेशनल मैनेजर है या फिर वहां का जो सेफ्टी डिपार्टमेंट है, उन्होंने इसे पकड़ा कि भाई आप जितना भी काम कर रहे हो अनसेफली कर रहे हो, तो हम आपको अलाउड नहीं कर सकते, हमने बहुत बार आपको वार्निंग दे दिया, यू आर परमानेंटली बैन। तो अब और भी ज्यादा, मतलब मुझे अभी भी कहा उस क्रू मेंबर ने कहा था कि इतना, मतलब वहां पर ज्यादा कुछ ऐसा मैटर हो गया कि वो पूरा का पूरा क्रू मेंबर को लेके वो शिप उस प्लेटफॉर्म से निकल गया और अपने सारे सामान वही छोड़ फेंका। फिर काफी सालों तक वो सामान उस प्लेटफॉर्म में सड़ता रहा, और एक मतलब एक रहता है ना कि भाई काफी टाइम से कोई मटेरियल अगर कोई नहीं निकाल रहा तो वो स्क्रैप में चला जाएगा। तो 4-5 साल तक कंपनी का वो मटेरियल, कंटेनर, सामान, टूलबॉक्स सब उधर ही पड़ा रहा, और उस प्लेटफॉर्म में मुझे जाने को भी मिला। मैंने वहां देखा कि भाई यहाँ तो काफी ऐसे सामान पड़े हुए जो पुराने कंपनी के है। तो जो मेरे सीनियर से मैंने उनसे डिस्कस किया, फिर उन्होंने कहा कि भाई इस मैटर में हम बात ही नहीं करते, हमारा इसे कोई लेना देना है नहीं, हम अभी किसी और कंपनी के लिए थ्रू आए हैं यहाँ पर। फिर वहाँ कर जो क्रू मेंबर थे, जो स्टाफ थे, उन्होंने मुझे कहा था कि भाई यहाँ पर बहुत काफ़ी सालों तक कचरा पड़ा रहा, बाकी हम सब ने इसे डंप कर दिया और इस जो कंपनी जो था उसे ब्लैकलिस्ट किया। फिर हम लोगों ने कम से कम 1-2 हफ्ता वहाँ काम किया। वहाँ आना आना जाने का तो बड़ा ही कॉमेडी ट्रेजेडी है। सुबह उठ रहे हैं 5 बजे, 6 बजे हमें हेलीकॉप्टर आएगा और हेलीकॉप्टर से हमें किसी और लोकेशन में जाना है, और शाम को फिर वही हेलीकॉप्टर हमें पिकअप करने के लिए आएगा, वो हमें रोड पे छोड़ेगा। तो 10 दिन में मैं कम से कम 20 से 25 बार सिर्फ हेलीकॉप्टर में एक काम के चक्कर में ही ट्रैवल कर सका, क्योंकि रीज़न ये था कि क्लाइमेट बहुत खराब था, रेनी टाइम था, तो आप बाय शिप नहीं जा सकते और कोई ऑप्शन नहीं है, तो हमें जितना भी काम करना था वो बाय हेलीकॉप्टर, चॉपर, उसी के थ्रू करना है। जो भी हमारा काम होता था सब उसी के थ्रू, क्योंकि हम जहां जहां जाते थे वहां अकोमोडेशन नहीं था, तो आप वहां पर रात को रुक भी नहीं सकते, वो भी क्योंकि H2S प्लेटफॉर्म है, प्रोसेसिंग प्लेटफॉर्म है, वहां कुछ भी हो सकता है, तो वहां पर कोई फैसिलिटी भी नहीं है। तो काम खत्म होने के बाद शाम को 5 बजे फिर से हेलीकॉप्टर आपको लेने के लिए आएगा, फिर आप उसमें बैठ के वापस अपने रूम में चले जाओगे। तो वैसा ही कुछ दिन चलता रहा, वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, और वो प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद मैं वापस जाता हूँ मुंबई, और वहां पर मुझे एक और काम मिलता है। मुंबई में पहुंचने के बाद कंपनी मुझे एक और प्रोजेक्ट के लिए कहता है कि भाई एक और प्रोजेक्ट है, आपको उसके लिए जाना है, तो उसके लिए कुछ दिन, कुछ महीने आपको वेट करना पड़ेगा। 2015 का ये एंड का बात है। अब इसका वीडियो मैं अगले सेशन में बनाऊंगा कि 2015 में मैंने ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट कंप्लीट किया, वो था बीजी, ब्रिटिश गैस करके था, जो रिलायंस और बीजी के अंडर में होता है काम। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सेकेंड पार्ट, सेकेंड वीडियो मैं कंटिन्यू करूंगा दूसरे सेशन में। सो बाय एंड टेक केयर।